आगे तो हम क्रेटा पे चलें, स्टार्ट करें क्रेटा के बारे में। ठीक जी सर। है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं और मैं बिल्कुल अभी थोड़ा सा ना, क्योंकि मैं बीच में क्वेश्चंस वगैरह मत करना, सब लोग अपने माइक बंद कर देना, मैं एक बार 10-15 मिनट लगातार चलूंगा, ठीक है? उसके बाद हम, क्योंकि मैं रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ ये, ताकि आगे भी आपको कभी काम आएगा तो उसमें भी आ जाएगा। ठीक, तो जिसका भी आज कंफ्यूजन था कि डेटा नहीं काम कर रहा है, एंट्री नहीं मिल रही, एग्जिट नहीं मिल रही, वो सारी चीजें, ठीक है? ठीक, वो चीज है। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। ये दिख रहा होगा आपको जो शीट है ये, ठीक है? देखो, दो टाइप्स के ट्रेडर होंगे यहाँ पे मार्केट में जो अभी आए हैं। एक हो गए एब्सोल्यूट बिगिनर, जिनको अभी मार्केट में ट्रेडिंग नहीं आती है, या फिर अभी नया सीख रहे हैं, या फिर एब्सोल्यूट जीरो नॉलेज है, एक चीज। दूसरे टाइप के लोग होंगे जो एक्सपीरियंस होंगे, जिन लोगों ने डेटा बाय किया हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है? वो एक्सपीरियंस्ड होंगे या बिगिनर होंगे। एक्सपीरियंस ट्रेडर के लिए और बिगिनर ट्रेडर, मैं एज अ बिगिनर के लिए बताऊंगा कि अगर आप बिगिनर हो तो आपको क्या करना है, ठीक है? अभी आवाज नहीं आ रही मेरी, एक बार आ रही है फटाफट सर, से। आपकी आवाज आ आ रही रही है है। ना? आ रही है, तो अभी फिर ठीक है, फिर आवाज जी आ सर, रही आ है रही है। प्रॉपर, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है? एक बिगिनर है और एक एक्सपीरियंस्ड है। जो बिगिनर है उनको टेक्निकल एनालिसिस की कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, ठीक है ना? अगर टेक्निकल एनालिसिस की बेसिक चीजें नहीं आती, जैसे प्राइस एक्शन में क्या होता है, लेवल्स कैसे ड्रॉ करते हैं, और आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनाते हैं, प्राइस एक्शन कैसे काम करता है, लोअर लो हायर हाई कैसे होते हैं, क्या चीज होती है, वो चीज है, वो आनी चाहिए। अगर नहीं आती है तो उसके लिए मैं अभी वीडियो का आपको सारे, जितना भी है उसका पूरा सारे शेयर करूंगा कि किसमें क्या क्या देखना है, ठीक है? एंड देन सेकेंड, जो हमारा सिस्टम आता है डेटा का, वो दैट इज कॉल्ड ओआई बेस्ड सिस्टम, ठीक है? ये दोनों चीजें हैं। कुछ लोग एक्सपीरियंस्ड होंगे, एक्सपीरियंस्ड वाले लोग वो कहेंगे कि यार मैं ऑलरेडी 2 साल 3 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं इसको क्या यूज करूँ? तो आप अपना ही सिस्टम को कंटिन्यू रखो, उसमें ओआई का सिस्टम ऐड कर लोगे तो आपके लिए आइसिंग ऑन द केक हो जाएगी, सोने पे सुहागा हो जाएगा, ठीक है? कैसे वो देखते हैं, ठीक? इसकी वीडियो जो है आपकी, प्राइस एक्शन का पूरा कंप्लीटली दिखा रखा है, इसमें क्या नाम है, यूडेमी में, ठीक है? तो ये आपको यूडेमी में मिल जाएगा। इनकेस किसी के पास यूडेमी का एक्सेस ना हो तो वो ले लेगा, ठीक है? मैसेज करके व्हाट्सएप पे यूडेमी का एक्सेस ले ले, उसमें आपको कूपन कोड मिल जाएगा, तो आप उससे अनलॉक करके देख सकते हो। अब कुछ टूल्स हैं बेसिकली जो आपको पता होने चाहिए, जैसे आप मैदान में लड़ने जाते हो, तलवार होनी चाहिए, ठीक है, हेलमेट होना चाहिए, और आपका ये क्या कहते हैं, आर्मर होना चाहिए, प्रॉपर तरीके से हर चीज होनी चाहिए। तो वैसे ही कुछ टूल्स हैं, ठीक है? ये उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, मतलब, ठीक है, जो एक्सपीरियंस्ड है वो अपने सिस्टम को यूज करें। जब मैं डेटा पे आऊंगा, समझाऊंगा डेटा के बारे में, तब आप उसको देखें, ठीक है? अभी मैं बात कर रहा हूँ जो बिगिनर है, उनको एटलीस्ट प्राइस सेक्शन पता होना चाहिए, ठीक है? प्राइस सेक्शन काम क्या करता है, एंट्री का काम करता है और एग्जिट देता है आपको कि किस पॉइंट पे एंटर करना है, किस पॉइंट पे एग्जिट करना है। ओआई का जो काम है वो काम आता है व्यू का, कि मार्केट बुलिश है, बेरिश है, साइडवेज है, कैसी मार्केट है, ठीक है? अब टूल्स में क्या होगा, आपको एटलीस्ट लेवल बनाने आने चाहिए, ड्रॉ करने चार्ट पे कैसे बनते हैं, ठीक है? अगर नहीं आते हैं, इसकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको, ये वीडियो का लिंक देख लेना। देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको, आप सोचो कि हर चीज आपको बस एंट्री एग्जिट में, मैं एडवाइजरी नहीं बेच रहा हूँ। जब एडवाइजरी बेचूंगा तो उसके चार्जेस अलग होते हैं, वो आपको फिर उसमें बताऊंगा कि बैंक निफ्टी का बाय करना है, कॉल सेल करना है, वो एडवाइजरी अलग चीज है। अभी मेरा पर्पज ये है कि आप खुद से ट्रेडर बनो, ठीक है ना? तो इसका पूरा एक वीडियो है, मैं शेयर करूंगा इस वीडियो को भी, लिंक शेयर करूंगा, तो आपको कैसे चार्ट पे लेवल्स ड्रॉ करते हैं वो पता चल जाएगा। दूसरी चीज है, आपको 5 EMA की स्ट्रेटेजी पता होनी चाहिए, 5 EMA कैसे काम करता है, ठीक है? 5 EMA की स्ट्रेटेजी क्या है बेसिकली, कि सेल ऑन राइस कब करना होता है, या फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग के बहुत काम आती है, वो सब चीजें होती हैं, ठीक है? और VWAP आपको पता होना चाहिए, VWAP होता क्या है, ठीक, ये चीज। देन प्राइस एक्शन, इसका भी वीडियो मिल जाएगा आपको, इसका वीडियो का लिंक भी आपको शेयर हो जाएगा, ठीक है? अभी मैं जब ये बंद करूंगा उसके बाद आपको सारे वीडियो के लिंक शेयर हो जाएंगे। प्राइस एक्शन में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, रिवर्सल पैटर्न्स होते हैं कुछ, जैसे डब्लू पैटर्न होता है, अगर बॉटम पे रिवर्सल आता है तो आपका डब्लू पैटर्न बनता है, ठीक है? अप साइड पर रिवर्सल आता है तो एम पैटर्न आता है, ये 5 मिनट्स के चार्ट पर आप देख सकते हो, ठीक है? इंट्राडे की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये आपको आने चाहिए। दूसरा, कुछ ब्रेकआउट, जैसे अभी कंसोलिडेट करके आप मेरी वीडियो देखते हो, अगर चार्ट में डेली एनालिसिस की, उसमें मैंने बताया हुआ है कि कंसोलिडेशन होता है बॉटम में, ठीक है, देन ब्रेकआउट आता है, या फिर आपका नीचे डब्लू पैटर्न आता है, या फिर किसी एक पर्टिकुलर लेवल पे, जैसे ये मार्केट है यहाँ पे पर्टिकुलर लेवल पे, यहाँ पे आके कोई कंसोलिडेट करे देन ब्रेकआउट आता है, तो ये बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता है। तो ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजीज है बेसिकली, मैंने सब यूडेमी में बता रखा है, ठीक है? ये आपको अगर वहां से देखना है तो वो देख लेना। फ्लैग एंड पोल पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक, ये कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज अभी हम जब देखेंगे ना, आज के लोग, आज के डेटा में बहुत सारे लोगों को दिक्कत है, सर हमको ट्रेड नहीं मिला, एंट्री नहीं मिली, एग्जिट नहीं मिली, वो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। आज का डेटा भी दिखाऊंगा, प्रीवियसली का होगा तो प्रीवियसली का भी दिखाऊंगा, कहाँ पे एंट्री होती है, कहाँ पे एग्जिट, सब दिखाऊंगा।
चौथा टूल आपको पता होना चाहिए कि ऑप्शन चेन पढ़ी कैसे जाती है, ठीक है। ऑप्शन चेन जो आपकी पूरी जो निफ्टी ट्रेडर पे हम लोग देखते हैं वो चीज पता होनी चाहिए। इसका भी एक वीडियो है, इसका लिंक शेयर कर दूंगा मैं आपके साथ कि ऑप्शन चेन कैसे, 34 मिनट्स का वीडियो है, ठीक। ये आपको पता होना चाहिए एटलीस्ट। अब ये क्यों पता होना चाहिए, बिकॉज देखो आपको सस्टेनेबल ट्रेडिंग करनी है, ऐसा नहीं है कि आपकी आज ट्रेड कर लिया कल नहीं करना है, ठीक है ना, वो चीज है। अब आप कहोगे सर इतनी सारी चीजें अगर हमको टेक्निकल एनालिसिस पढ़ ही ली तो हम डेटा का क्या करें, हम तो प्राइस एक्शन पे चले जाएंगे। बिल्कुल सही बात है आपकी, ठीक है कि आप प्राइस एक्शन पे जा सकते हो, लेकिन अब डेटा क्यों चाहिए हमें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एग्जिस्टिंग ट्रेडर के लिए भी बहुत काम आता है। और मेरे लिए मतलब मैं ट्रेडिंग डेटा से पहले भी ट्रेडिंग करता था, तो उसमें मेरे को ये जो सिस्टम बनाया बहुत 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 ज्यादा हेल्प करता है। सबसे पहली चीज ये मार्केट का व्यू बताता है कि आज मार्केट बेयर है, मार्केट बुल है, या मार्केट आज साइडवेज है। सबसे पहली चीज इस डेटा को कैसे पढ़ते हैं, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, उसका भी लिंक है, एंट्री एग्जिट करके नाम है उसका, कैसे एंट्री करें, 30 मिनट्स की वीडियो है, इसका भी मैं आपको वीडियो एंड होने के बाद लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। या फिर ये वीडियो जो रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, ये आपकी मेल पे भी पहुंचेगी, उस मेल में भी सारे लिंक्स होंगे, वो भी आप देख सकते हो। देखो सारा वीडियो भी मिला लोगे तो आपका बनेगा तकरीबन 2 घंटे, 1.5 से 2 घंटे, इतना टाइम तो आपको देना ही पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। और अगर आप एब्सोल्यूट बिगिनर हो तो यूडेमी का 10 से 11 घंटे जो है वो और देना पड़ेगा, ठीक। दूसरा काम क्या आता है डेटा का, दूसरा काम आता है आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन देता है, जैसे प्राइस एक्शन ने कह दिया बाय करो, ठीक है। अब देखो किसी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं, ठीक है। सिस्टम चाहिए होता है जो कि हमारे पास अभी है, प्लस रिस्क मैनेजमेंट चाहिए होता है हमारे पास जो है, और प्लस हमारी एक कोर साइकोलॉजी चाहिए होती है, ठीक है। ये 3 चीजों के बनने के बाद आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनते हो, वरना इसमें से कुछ भी एक चीज भी खराब है तो आप प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। सिस्टम का काम तो बन गया, चलो प्राइस एक्शन प्लस ओआई बेस हमने सिस्टम ले लिया। रिस्क मैनेजमेंट आपका बहुत जरूरी होता है, बिकॉज जैसे आजकल मार्केट चल रहा है, देखा आप डेटा कितनी जल्दी पलट रहा है, या फिर मार्केट में वॉलिटिलिटी कितनी ज्यादा है, उस केस में क्या करोगे आप पोजीशन साइजिंग को हल्का रखोगे। साइकोलॉजी तो ऑब्वियसली आपका फियर एंड ग्रीड, कब एग्जिट करना कब एंट्री, अभी वो भी बताऊंगा, उसकी भी टेंशन नहीं है, ठीक है, तो वो भी क्लियर हो जाएगा। अब रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट आता है, जैसे आजकल की मार्केट है तो आप अपनी पोजीशन साइजिंग को हल्का रख दो। जैसे कल ब्रेकआउट आया, डेटा ने भी परमिट कर दिया कि हाँ डेटा भी तेज हो रहा है और आपके प्राइस सेक्शन भी ब्रेकआउट आए, तो आप एग्रेसिव होके बाय कर सकते हो ना, उस केस में एग्रेसिव होके बाय करो। अब आजकल जैसे वोलेटिलिटी बढ़ रही है तो अपनी पोजीशन साइजिंग को हल्का रखो। देखो हमारा मोटिव ये नहीं है कि हमको स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना है, हमारा मोटिव ये है कि हमको पैसा कमाना है, ठीक है, कि मंथ के एंड में हमारे पास पैसा बचे कैसे आए वो। तीसरी चीज है, जब भी कभी बिग मूव आता है ना तो आप देखिएगा डेटा जरूर, आपके डेटा चाहे 10 मिनट बाद बताए 15 मिनट बाद बताए, लेकिन डेटा बता जरूर देगा कि बिग मूव आने वाला है, तो वो आपको इससे पता चल जाएगा। चौथी चीज जो है वो लॉसेस रिड्यूस करता है। जैसे क्या होता है, आपने प्राइस एक्शन में देखा होगा बहुत सारे फॉल्स सिग्नल मिलते हैं, ब्रेकआउट आता है, फॉल्स आता है, देन वापस अगेन रेंज में जाती है, वो आपको रिड्यूस करता है इसमें लॉस में जाने के। एंड पांचवा सिस्टम है एग्जिट करने का। आज ही का एग्जांपल दूंगा क्योंकि आज ही लोगों कुछ को प्रॉब्लम हो रही थी कि किस तरीके से करना है, तो आज ही किस तरीके से एग्जिट करना है एंट्री करना वो बताऊंगा, ठीक है। ये सारे काम है आपके डेटा के, बेसिकली प्रॉफिट को इंक्रीज करना और लॉसेस को रिड्यूस करना, ये काम है डेटा का, आपकी कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है। एंट्री एग्जिट आपको उसी पे लेनी है। अगर आप प्योरली डेटा पे डिपेंड होते हो तो फिर वीएफ वाली स्ट्रेटेजी बना लो कि आपको टेक्निकल एनालिसिस करना ही नहीं है, बिल्कुल जीरो करना है, तो आप फिर उस पर बना लो क्या नाम है वीएफ वाली जो स्ट्रेटेजी बताइए एंट्री एग्जिट, उस पर एंट्री एग्जिट कर सकते हो, ठीक। अब आपको अच्छा पीसीआर वाली वीडियो, ऑप्शन चेन की जो वीडियो है ना, इस वीडियो 34 मिनट्स की, इसका जो लिंक शेयर होगा, इसमें पीसीआर का पॉइंट बता रखा है। आज जो लोग कह रहे थे कि मार्केट बाउंस कैसे कर गई, देखो मार्केट बाउंस कर जाए नहीं कहते, वो हमारे हाथ में कभी नहीं है ना होगा। कोई भी सिस्टम 100% एक्यूरेट नहीं होता है, जो बोलता है कि मेरा सिस्टम 90% एक्यूरेट है 100% है वो झूठ बोलता है। 70-75% की भी एक्यूरेसी का मतलब बहुत जबरदस्त एक्यूरेसी मानता हूं मैं, ठीक है। तो पीसीआर वाला जो सिस्टम है मेरा, इसी में ऑप्शन चेन ने बता रखा है, ठीक है, तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी है। अभी जब आज का डेटा देखूंगा उसमें साइकोलॉजी पूरी बताऊंगा किस तरीके से क्या क्या करा है, ठीक। यहां तक किसी को कोई दिक्कत आई थिंक नहीं होनी चाहिए। हमने सिर्फ क्या देखा, टूल्स क्या क्या होने चाहिए आपके पास पहले से कि आपको ट्रेडिंग करना है। ये किसके लिए, बिगिनर्स के लिए, जो एक्सपीरियंस्ड है जो ट्रेडर्स, वो अपना जो भी करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन ही फॉलो करते हैं, हो सकता है वो कोई चार्ट पैटर्न फॉलो करते हो सकता है वो कोई अलग चीज फॉलो करते हो, उसके हिसाब से करो, उसके साथ ओआई को मिला लो, क्या होगा लॉसेस रिड्यूस हो जाएंगे और प्रॉफिटेबिलिटी की कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करके अग्रेसिव कब होना है और डिफेंसिव कब होना है ये पता चल जाएगा। अब आप समझो कि मार्केट की साइकोलॉजी क्या होती है, ठीक है। मार्केट की साइकोलॉजी कैसे होती है, 70% टाइम जो होता है इंडेक्स एक रेंज में रहता है, मतलब जनरली गैप अप या गैप डाउन होता है, एक रेंज के अंदर रहता है,
ऐसा नहीं होता कि हर दिन ऐसे ऐसे भाग रहा है और अगले दिन मार्केट ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसे ऐसे भाग रहा है फिर ऐसे ऐसे गिर रहा है, ऐसा नहीं होता। एक रेंज में रहता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, दोनों तरफ के दोनों साइड के मौके देता है जनरली मार्केट, ठीक है। 30% ऑफ द टाइम मार्केट ट्रेंडिंग हो जाता है। इस टाइम में डेटा आपको बहुत जबरदस्त लॉस से बता सकता है, अगर आपने, क्योंकि हम रिटेल ट्रेडर्स हैं, हमें पता है हमारी साइकोलॉजी ठीक नहीं होती, हम कैरी करके रख जाते हैं ट्रेड को, तो यहाँ पे आपको बच जाओगे। दूसरा, अगर ट्रेंडिंग मार्केट है, आपके सिस्टम ने कह दिया कि बाय करो या प्राइस एक्शन ने कह दिया बाय करो और इसने भी कह दिया, तो आपको एक बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। जैसे कि आज हमने 500 पॉइंट बैंक निफ्टी के कैप्चर कर रहे थे। हमेशा मार्केट की साइकोलॉजी पे हम लोग चल रहे थे। दो सेशंस होते हैं मार्केट में, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, एक होता है मॉर्निंग का सेशन, एक होता है आफ्टरनून का सेशन, ठीक है। जनरली मार्केट कैसे मूव करती है, मार्केट अगर नीचे जा रही है, ठीक है, तो एक टाइम आएगा जब मार्केट को रिकवरी आके ऊपर जाएगी इस तरीके, तभी तो साइडवेज होती है मार्केट 70% ऑफ द टाइम ऐसे करती है। या मार्केट एक टाइम ऊपर जा रही है, देन मार्केट धीरे धीरे ग्रेजुअली नीचे आती है, ये दो सेशन हो जाते हैं। या मार्केट में पूरे दिन वोलेटिलिटी रहती है, ऊपर नीचे उतार चढ़ाव ऐसे करके रहता है, साइडवेज मार्केट रहती है, ठीक है। हमको करना क्या है, अगर आपने, जैसे कल मेरे दिमाग में एनालिसिस थी, मेरे दिमाग मार्केट ओवरसोल्ड थी, कल मैं अपने रात में ये बना के गया था, तो मैंने आज शॉर्ट नहीं करना था, ठीक है, तो मुझे आज शॉर्ट में कंफर्टेबल नहीं था। होते हैं सब लोग, अपने अपने सिस्टम होंगे, जिनको शॉर्ट में आज कंफर्टेबल नहीं होंगे, हो सकता है उनको लॉन्ग में कंफर्टेबल नहीं होंगे, जो आज लॉन्ग का ट्रेड मिला उसमें कंफर्टेबल नहीं होंगे, शॉर्ट में ज्यादा कंफर्टेबल होंगे, तो वो डिपेंड करता है उनपे। अब देखो, जैसे मार्केट आया ये इस तरीके से मैं दिखा रहा हूँ, अगर मार्केट डाउन है, ठीक है, तो मार्केट डाउन में ये सब चीजें जनरल हैं, देखो कभी भी ऐसा मत करना कि ऐसा ही होगा, ठीक, तो किस तरीके से होता है, मार्केट गैप डाउन खुल जाएगी, देन साइडवेज आ गई, ठीक, या फिर डाउन में एक रिकवरी आ जाती है बाद में, जैसे आज आई थी, आज का मूव जो था, ठीक है, या मार्केट पूरे दिन डाउन हो जाती है, इसे कहते हैं ट्रेंडिंग मार्केट, दिस इज कॉल्ड बेयर मार्केट। जब होता है तो कैसे होता है, जब मार्केट अप होती है तो मार्केट क्या होता है, या तो गैप अप खुल जाएगी, देन आपके साइडवेज हो जाएगी, देन ऊपर जाएगी, देन कंसोलिडेट, देन ऊपर, इस तरीके से जाएगी, या मार्केट एक रिवर्सल दिन में दिखा देगी और मार्केट नीचे आ जाएगी, ये, ठीक है, या फिर मार्केट अपसाइड ट्रेंडिंग होगी धीरे धीरे करके, बीच बीच में हिकअप्स दिखाई और ऊपर चली जाएगी, ये तीन तरीके का सिनेरियो हो जाता है। तो यहाँ पे डेटा जो होता है, डेटा अकॉर्डिंगली बदलता रहता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डेटा एक सा, जब भी डेटा एक सा रहेगा, एक सा समान रहेगा डेटा, दैट मीन समझ लो कि मार्केट ट्रेंडिंग है अभी, ठीक है। आज मार्केट ने डेटा में थोड़ा सा रिकवरी आई थी, उस टाइम पे हमने बाय लिया था, एसएल कट गया था। अभी मैं जब आपको एग्जिट स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा तो एग्जिट कैसे करते हैं वो पता चलेगा, ठीक है। साइडवेज मार्केट होती है जनरली तब हो जाती है जब गैप अप बहुत बड़ा खुल जाता है, गैप डाउन हो जाता है, मार्केट एक साइडवेज चली जाती है। रीजन उसका क्या होता है, उसके पीछे का, कि जब आप मार्केट नीचे गैप डाउन खुली तो विक्स बढ़ जाती है, आईवी शूट कर जाती है, गैप अप खुली तो आईवीज बढ़ जाती है, उस केस में क्या होता है, कॉल और पुट के प्रीमियम बहुत हाई हो जाते हैं, तो ऑप्शन राइटर जो कि बड़े प्लेयर्स होते हैं उनको बहुत मजा आता है हाई प्रीमियम एंजॉय करने के लिए, इसलिए मार्केट एक साइडवेज में जाती है। फिर सेकंड सेशन में डिसाइड करते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड की तरफ ब्रेकआउट देगी या ब्रेकडाउन देगी, ठीक है, ये चीज है। अब आप आ जाओ, ये चीज हमने टेक्निकल एनालिसिस देख ली, मार्केट की साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, ठीक है, दिन में रिवर्सल भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, डाउन ट्रेंड भी पूरे दिन हो सकती है और मार्केट साइडवेज भी जा सकती है, ये चीज है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को एक बार माइक खोल के बता दो या फिर अपना बता दो कि यहां तक कोई टूल्स में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, ठीक है, क्या क्या टूल चाहिए हमें, वो चाहिए, क्यों हमने डेटा करा, मार्केट की साइकोलॉजी हमने देखी क्या होता है। अब डेटा को पढ़ना कैसे होता है वो देखना है। लेट्स से जैसे डेटा आज डेटा बेयरिश था, ठीक है, अगर आपसे बियर का ट्रेड मिस हो गया है, या तो इसमें स्ट्रेटेजी आप क्या यूज करते हो, सेल ऑन राइज की, करेक्ट, इसमें आप डेटा बेयरिश होता है तो आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो सेल ऑन राइज की, ठीक है। अगर डेटा कंटिन्यूअसली गिरता जा रहा है, लगातार गिरता जा रहा है कहीं भी, तो आप सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी को इंटैक्ट रख सकते हो। लेकिन जैसे आज आपसे ट्रेड मिस हो गया फॉर एग्जाम्पल सेल का, तो रिवर्सल ढूंढो, क्योंकि ज्यादातर 70% मार्केट कैसे होती है, रिवर्सल वाली होती है, कि यहाँ तो अप ट्रेंड से जाकर एम पैटर्न बनाती है, नीचे से डब्लू पैटर्न आती है, तो रिवर्सल का ढूंढना है। लेकिन रिवर्सल आपको तभी बाय करना है जब डेटा स्टार्ट इंप्रूविंग, मतलब डेटा इंप्रूव होना शुरू हो जाए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ डेटा की शीट पे, आज के केस में हम लोगों को क्या था, मैं पूरी अपनी तरीके से अपनी एनालिसिस बताऊंगा कि मैंने आज कैसे करा था, ठीक है। और एक सेकेंड, ये रहा, ये आज का डेटा था, ठीक है, बैंक निफ्टी था, मॉर्निंग में आपको बताया था अगर हमें बाय करेंगे तो हम बैंक निफ्टी को करेंगे और शॉर्ट करेंगे तो हम निफ्टी को करेंगे, क्योंकि निफ्टी वीक थी। ये सब चीजें मैं वीडियोस में बता चुका हूँ, आपको वीडियोस मिल जाएंगी तो आपको उस पर दिक्कत नहीं होगी कि निफ्टी कब वीक होती है, बैंक निफ्टी कब वीक होती है, साइडवेज कब होता है, वो सब चीजें स्क्रीन आई होप दिख रही होगी सबको, ठीक है। अब देखो, मैं आज रिवर्सल प्लान कर रहा था अपने सिस्टम के अकॉर्डिंग, मैं रिवर्सल प्लान कर रहा था कि मार्केट में बाय की कब करूं, क्योंकि पीसीआर भी ओवरसोल्ड हो चुका था। अब देखो, यहाँ पे मैंने कहा था बैंक निफ्टी इज लुकिंग गुड, ठीक है, 1150 के आसपास हम बाय कर सकते हैं, 34500 पे, 34420 के एसएल पे।
यहाँ पे जो था आपका डेटा ने फर्स्ट टिक दिया कि मैं इंप्रूव होने जा रहा हूँ, ठीक है, डेटा ने यहाँ पे 56 था, 56 से 55 हुआ, 51 हुआ, करेक्ट, यहाँ पे डेटा ने एक कोशिश दी कि मैं बुलिश होने जा रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी पे अराउंड समवेयर अराउंड यहाँ पे था, ठीक, और डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा था। अब देखो आपको अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड होते तो आपका एसएल कट जाता आज, अगर आप सिर्फ प्राइस एक्शन ट्रेड होते, ठीक है। अब क्या हुआ था यहाँ पे, जैसे ही ये बाय हुआ लेकिन अगली ही टिक पे डेटा ने बुलिश करना बंद कर दिया, मतलब अपना यहाँ पे इंप्रूव नहीं होता है। जनरली जब डेटा इंप्रूव होता है तो ये 51 से माइनस होगा 47, 45, देन 39, देन 35, 36, 30, 25, 20, माइनस करते करते ऐसे करते करते जीरो, देन प्लस पर जाता है। जब ट्रेंड चेंज होता है तो इस तरीके से ट्रेंड चेंज होता है, लेकिन इसने फिर पलटी मार दी। तभी मैंने आपसे कहा था, पहले मैंने क्या करा, डेटा जब थोड़ा सा होगा मैं बुल स्प्रेड बनाया, बुल स्प्रेड बना के मैंने कहा थोड़ा सा स्ट्रेच कर लूंगा, लेकिन आप लोगों को एग्जिट कराया कि आप एग्जिट कर दो। उसके बाद हमारी किस्मत अच्छी थी कि मार्केट ने एक बार 510 का लेवल दिखा दिया तो हम वहां पे एग्जिट हो गए। अब यहाँ पे एग्जिट क्यों हुए कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि डेटा ठीक नहीं हो रहा था ना, आपका डब्ल्यू पैटर्न बन गया बॉटम पे लेकिन डेटा ठीक नहीं हो रहा है तो हम एग्जिट हो गए कॉस्ट टू कॉस्ट। द मोमेंट यहाँ पे 0.43 पीसीआर देखा, ये पीसीआर वाले ऑप्शन चेंज जैसे कि वीडियो में बताया है, लिंक दे दूंगा, जब भी ये होता है सारी बातें एक तरफ और आपका पीसीआर एक तरफ, कम से कम शॉर्ट तो मत करो। अब मेरे दिमाग की घंटी बज गई, मतलब मुझे कहा कि यार यहाँ पे गन लोड हो गई, मुझे जब किसी को शूट करना होता है तो पहले गन लोड करते हो देन ट्रिगर दबाते हो, मेरी गन लोड है कि मुझे बाय करना है लेकिन किस जगह पे बाय करना है वो देखना है, ठीक है। लगातार डेटा नेगेटिव हो रहा है, एक भी जगह मुझे डेटा पॉजिटिव मिल जाएगा मेरा ट्रिगर दबाने का गन लोड हो जाएगी, थोड़ा ट्रिगर दबा दूंगा। अब यहाँ पे आपका डेटा पॉजिटिव होना शुरू हुआ 1:40-1:50 के आसपास, ठीक है, डेटा स्ट्रेंथ दिखानी शुरू कर दी, जहां यहाँ दिखाई उधर उसने आपका लेवल पे आ गया था। बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 34,138 हमारा लेवल था। मैंने आपको पहला टूल क्या बताया था, आपको लेवल्स ड्रॉ करने आने होने चाहिए, ये मैंने आपको बता रखा है, ठीक है। 34,138 आपको सोच रहे हो अगर मैंने आज ड्रॉ करा है, चार दिन पहले की आप एनालिसिस की वीडियो उठाकर देखना, 34,138 पहले का लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी मुझे बुलिश कैंडल मिलती तो मेरा एसएल होता बहुत छोटा और टारगेट होता बहुत बड़ा, कम से कम 200-300 पॉइंट का टारगेट था, लेकिन बाद में कहीं भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, ध्यान रखना यहाँ पे मैंने एग्जिट किया, देन अगेन इसने बुलिश बनाया, देन मैंने फिर बाय करा यहाँ पे, देन अगेन अगले लास्ट में जाकर मैं एग्जिट कर गया, क्लोज कर गया, बिकॉज मैं इंट्राडे ही पोजीशन ट्रेडिंग कर रहा हूँ, मैं पोजीशन कैरी नहीं कर रहा हूँ, एक चीज। अब हम अपने वापस से उस पे आते हैं जो हमारा आपने आईपैड पे क्या पढ़ा था कि डेटा स्टार्च ये वाला केस जो था हमारा, एक सेकेंड, ये वाला केस था हमारा कि सेल ऑन राइज करना है, लेकिन डेटा जब तक स्टार्ट इंप्रूविंग ना हो जाए शुरू तब तक हमें डेटा पे तभी करना है। अब जैसे आज हमने सेल ऑन राइज किया, आज हमने बाय किया क्योंकि हमने क्या सोचा था कि मार्केट आज एक इस तरीके से डाउन मार्केट में एक रिवर्सल आएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से रिवर्सल आएगा, हमने ये सोचा, डब्ल्यू पैटर्न भी बना, सब कुछ बना, लेकिन डेटा ने नेक्स्ट टिक में इंप्रूव नहीं हुआ बल्कि वैसा ही हो गया, तो हमने क्या करा, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गए, वरना एसएल कट जाता, तो हमने ये प्लान किया था। अब पीसीआर लो हो गया था तो हमने क्या करा, वहां पे जब देख रहे थे कि लेवल पे आके किस तरीके से बाय करते हैं, अभी मैं एग्जिट स्ट्रेटेजी पे भी आऊंगा। सेम चीज बुलिश पे है, अगर डेटा मॉर्निंग से बुलिश बन रहा है और आपसे डेटा कोई मिस हो गया, मान लो ट्रेंड मिस हो गया आपसे, तो आपने क्या किया, हम जब डेटा डिप तब तक बाय करना है डिप्स पे जब तक डेटा स्ट्रेंथ लूज ना करे। लेग से मार्केट का में डेटा बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर आया एंड नीचे आ गया, यहाँ पे इस पॉइंट पे डेटा भी आपका थोड़ा सा इस कैंडल पे बेरिश होना शुरू हुआ, तो आप बेरिश पे प्लान करो, आप बुलिश पे मत करो, बाय ऑन डिप्स मत करो, डेटा ने स्ट्रेंथ लूज कर दिए, देन ऊपर गए, देन मार्केट आपका ऊपर गया और द मोमेंट इसने एम पैटर्न बनाया, आप सेल कर सकते हो इस जगह पे। हाँ, अगर डेटा दोबारा से बुलिश होना शुरू हो जाए, जैसे मार्केट नीचे आया एंड डेटा स्टार्टिंग बुलिश फिर से हो जाए, तो अब आपने बाय सेल क्रिएट को एग्जिट कर दो, फिर आप बाय पे आ जाओ वापस से, मार्केट ऊपर जा सकते हैं क्योंकि डेटा ने स्टार्ट कर दिया। तो हमें बाय ऑन डिप करना है जब तक कि डेटा स्टार्ट ना कर दे अपनी स्ट्रेंथ को लूज करना। सेम चीज सेल ऑन राइज पे था, ठीक, डेटा साइडवेज है तो मैंने आपको बता रखा है रेंज पे ऊपर, अगर जैसे अपर रेंज थी, आज की अपर रेंज 34,800 थी, मैंने कल डेली वीडियो में बताया हुआ था कि अपर रेंज है और नीचे की रेंज 34,000 थी, ये वाले बताया हुआ था। अपर रेंज पे जैसे ही एम पैटर्न बनाने की कोशिश करे, चार्ट ट्रेडर्स क्या करते हैं, यहाँ पे सेल करते हैं, बराबर है, चार्ट वाले दिख रहा हुआ है ना, यहाँ पे इस जगह पे चार्ट वाले जो लोग होते हैं वो यहाँ पे सेल करेंगे। अब देखो चार्ट ट्रेडर्स जो होते हैं वो इस जगह पे एग्जिट करेंगे, थोड़ा लैग कर रहे थे, इस जगह पे आपका वो करेगा सेल करेंगे इस ब्रेकआउट पे। अगर द मोमेंट इस पे रेंज बाउंड पर ध्यान रखना, द मोमेंट इस वाली जगह पे डेटा भी आपका बेरिश हो गया, ठीक है, तो आप सेल कर दो रेंज के ऊपर पे, तो आपको एक अच्छा छोटे से सेल पे बड़ा ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से प्लान करोगे। अब बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं सर एग्जिट कब करें, देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ठीक है, एग्जिट की स्ट्रेटेजीज है, मैंने शॉर्ट बना रखा है इसका, इसके शॉर्ट का भी आपको लिंक शेयर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो सारे की ही चीजें लिंक है, सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे, उससे बेफिक्र रहना, ठीक है। ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगी, ये वीडियो रिकॉर्ड होकर आपको मेल पहुंच भी जाएगी। टारगेट पे आपको एग्जिट करना होता है नंबर वन, ठीक है, या आपका SL हिट हो जाए तो आपको एग्जिट करना होता है। अगर आपने कोई चीज लॉन्ग कर रखी है तो रेजिस्टेंस पे एग्जिट करो, या कोई लेवल है तो उस पे एग्जिट करो। जैसे आज 34,800 का लेवल था, वहां पे मेरे को प्रॉफिट बुक करना था, मैं लेवल पे प्रॉफिट बुक करूंगा। अगर मैंने शॉर्ट कर रखा है तो सपोर्ट पे, आज जैसे 34,138 की सपोर्ट थी ना, तो उस पे आपने एग्जिट कर लेना है, ठीक है, अगर आपने शॉर्ट कर रखा है। या फिर आपको एग्जिट कब करना होगा, ट्रेलिंग SL, मतलब कल मैंने ट्रेलिंग SL पे भी शॉर्ट डाला हुआ है तो उसको देख लेना, तो उसमें भी मिल जाएगा, ट्रेलिंग SL पे कर सकते हो। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आज हम लोगों ने जो पहला कॉस्ट टू कॉस्ट कैसे निकले बैंक निफ्टी में, वो सिर्फ इसकी वजह से निकले क्योंकि सिस्टम इनवैलिडेट हो गया। हमारा सिस्टम क्या था, हमें बाय करना है इस जगह पे, जब भी मार्केट एक डाउन ट्रेंड में होती है तो हम रिवर्सल ढूंढते हैं, इस तरीके का आपका, इस तरीके का रिवर्सल ढूंढते हैं, ठीक है, इस तरीके का। अब क्या है, लेकिन ये तब ढूंढते जब डेटा भी इंप्रूव हो जाए। यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सिस्टम इनवैलिडेट हो गया। जब सिस्टम इनवैलिडेट होकर ना हमने टारगेट पे एग्जिट किया, ना ही हमने अपने SL पे एग्जिट किया, हमने कॉस्ट टू कॉस्ट जितना अच्छे से अच्छा लेवल, जितना हमारा कम से कम लॉस है, उस पे एग्जिट कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिस्टम इनवैलिडेट का। स्विंग हाई एंड स्विंग लो, मतलब जैसे कि आपका मार्केट आपने बाय किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक स्विंग हाई बना हुआ है, लेवल नहीं है लेकिन एक स्विंग हाई है, तो स्विंग हाई पे कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे डबल टॉप बन सकता है, तो एक स्विंग हाई पे भी आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपने बाय कर रखा है। अगर आपने शॉर्ट कर रखा है तो आप स्विंग लो पे भी एग्जिट कर सकते हो। तो ये एग्जिट स्ट्रेटेजी है, आज हमने आज सारी चीजें काम करी, ठीक है ना। जब PCR ओवरसोल्ड था तो हमने एक रिवर्सल पे बाय भी किया, हमने एक जगह गलत एंट्री भी ली, वहां पे हमने SL देने की जगह कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया बिकॉज हमारा सिस्टम इनवैलिडेट हो गया। हमने ये देखा कि कब डेटा आपका स्ट्रेंथ लूज करना शुरू कर देता है। अब आज का ही डेटा देख लो, यहाँ पे इसने लास्ट में आके फिर जब 117 से 100 हुआ, मेरा गन फिर से लोड हो जाएगी, ठीक है। 117 से जैसे यहाँ पे इस जगह पे 100 हुआ, मेरी गन लोड हो गई, ट्रिगर दबा दूंगा, ठीक है। अगले में 90 आ गया, अब मेरी कन्विक्शन स्ट्रांग होगी, हाँ हो जाएगा। अगर ये वापस से 90 -90 से -100 पहुंच जाता, मतलब मेरा डेटा वापस अभी स्ट्रेंथ वैसी की वैसी ही है, जो बेरिश डेटा की स्ट्रेंथ है वैसी की वैसी है, तो फिर मैं अपने को एग्जिट कर देता, चाहे मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकलूं या कैसे भी निकलूं, देन इंक्रीज होता गया तो मैं बाय होल्ड करता रहता गया, हर टिक पे इंक्रीज होता रहा, मैं अपना बाय का डेट पोजीशन रखा रहा, तो क्या हुआ, डेटा से कन्विक्शन स्ट्रांग मिली। बाकी अगर आप प्राइस एक्शन के साथ यूज करते तो मैंने आपको सारे टूल्स दिए हैं, ठीक है, सारे लिंक शेयर हो जाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। अगर आप बिगनर हो, अगर आप अपने सोच पहले से है कोई आपके सिस्टम है, तो इस डेटा को किस तरीके से यूज करना है, कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और वो जो 6 पॉइंट बताया था उस तरीके से यूज करना है। तो यहां तक मेरा जो है अभी डेटा का पार्ट खत्म हो गया है, ठीक है। अब आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस पूछ सकते हो। सर ये जो डेटा आपने अभी दिखाया ना, क्या माइनस ओके पूरा जीरो होता है, वो किधर देखने का रहता है सर? यहाँ पे है ना आपका जो चेंज वाला कॉलम है, अब देखो मैंने क्या बताया कि सेल आपको कहाँ करना है, -25 के ऊपर करना है, तो सेल आपका कहाँ पे आया था, यहाँ पे 34,595 में आपका तकरीबन सेल आ गया था। अब यहाँ पे माइनस होता गया, सेल रखे रहो, यहाँ पे प्लस हुआ, थोड़े सतर्क हो जाओ, क्या मैं सेल की क्वेश्चन काट दूँ या हल्की कर सकते हो। फिर उसके बाद देखो मार्केट थोड़ा सा ऊपर भी गया था 492 याद, और मार्केट ने अपनी डेटा के दोबारा एंट्री ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सेल रखे रहो। और दूसरी सबसे बड़ी बात, जो लोग कहते हैं ना कि डेटा कैसे यूज कर रहे हैं जो ऑलरेडी एक्जिस्टिंग है, जस्ट इमेजिन मार्केट ने आज 2 बार ब्रेकआउट दिए, ठीक है, दोनों बार एटलीस्ट आपने यहाँ पे तो बाय तो नहीं किया होगा ना, वरना SL कट जाएगा 2 बार, बराबर है, तो ये नीचे आता चला गया। जब तक आता चला गया यहाँ पे कहीं आपको एग्जिट कर देना है, 468 पे आ रहा है, जब डेटा स्ट्रेंथ लूज कर रहा है, अगेन डेटा नहीं कर दे, फिर शॉर्ट कर दो, तो इस तरीके से चलना है। जो चेंज वाला कॉलम है ना आपका ये, अब लोग गलती क्या करते हैं, देखो बहुत सारे लोगों ने जो मेरे को कॉमन मिस्टेक समझ में आई, लोग ना बिल्कुल स्टैटिक ले गए, मतलब क्या किया उन्होंने कि यहाँ पे -25 तो मैंने सेल बटन दबा दिया। आप देखो भी तो आगे क्या स्ट्रेंथ बन रही, क्या नहीं हो रहा है। आई होप आज की वीडियो के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डेटा को यूज करना है। मैं फिर कह रहा हूँ थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, ठीक है, मैं सही हूँ ये बात कैसे कह सकते हो, ठीक है, मैं गलत भी तो हो सकता हूँ, बराबर है। किसी भी सिस्टम को एक दिन से सही नहीं कह सकते और एक दिन से गलत भी नहीं कह सकते, थोड़ा ऑब्जर्व करोगे पता चलेगा कि हाँ ठीक है या नहीं है, ठीक है। हेलो सर। हाँ हेलो। हाँ सर, मैं योगेंद्र हूँ, मैं थोड़ा भी बिगनर हूँ, तो मेरे को मेरा डाउट ये रहता है कि मेरे को किस लेवल पे बाय करना है। करेक्ट, देखो मैंने आपको बताया है एंट्री और एग्जिट करने के लिए आपको प्राइस एक्शन का टूल यूज करना है, एम पैटर्न बनता है या फिर ब्रेकडाउन मिलता है, कोई सपोर्ट टूटती है, ठीक है, सेल करने के लिए। अगर ऊपर बाय करना होता है तो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट करके बाय कर सकते हो, डब्ल्यू पैटर्न पे बाय कर सकते हो। ये सारी चीजें मैंने यूडेमी के कोर्स में बता रखी है कि बाय बटन कब दबाना होता है, सेल बटन कब दबाना होता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। प्राइस एक्शन को यूज करो एंट्री एग्जिट के लिए,
और आप डेटा को यूज करो अपना व्यू बनाने के लिए, ठीक है, ताकि आपके एसएल ना कटे, कम एसएल कटे। और नहीं नहीं सर, मेरा मेरा ये भी रहता है कि मेरे को जैसे कौन सी कॉल लेनी है, जैसे सपोज करो मेरे को, मैं पुलिस हूं तो मेरे को कॉल लेनी है, तो मेरे को कौन सा लेवल पे लेना है? ठीक है ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट चल रही 17,000 फॉर एग्जांपल, ठीक है, सब लोग सुन लो जिसको भी क्वेश्चन होगी, मार्केट चल रही 17,000 और आप मार्केट में बुलिश हो, ठीक है, लेकिन स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन नहीं है। 17,000 100 की कॉल ओटीएम होगी, 17,000 की कॉल एटीएम होगी और 16,900 की कॉल आईटीएम होगी। जब आप लो रिस्क लो रिवॉर्ड पे जाना है तो 17,100 की कॉल ले लो, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड पे जाना है तो इन द मनी की कॉल ले लो, और मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिवॉर्ड रखना है तो एट द मनी की कॉल ले लो, ठीक है।